अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हम भी करते हैं जी। सब लोग ठीक होंगे जी। दोस्तों हम आ गए हैं जी अपने डेयरी फार्म पे और हमारी बफलोज को जी चारा वगैरह डाल चुके हैं, हम चारा खा रही है। ईमान फातिमा लेके आइए रानी के लिए आटा, आटा लेके आइए ईमान फातिमा। ईमान फातिमा चल रही है जी खुरली में और रानी को आगे डालेगी आटा। और ये ईमान फातिमा ने जी आटा ले लिया इधर प्लेट में, अभी रानी के आगे डालेगी। हाँ ओ इधर कुकड़ियाँ भी आई हैं आटा खाने के लिए, इनको आटा खिलाओगी कुकड़ियों को? हाँ ये बफलो देगा रानी किस तरह आराम से, आराम से ईमान आराम से नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती, आराम से जी। दोस्तों ईमान फातिमा ने जनाब आटा बफलो के आगे डाला, अभी अपाओं से आगे कर रही है चारा। कुकड़ियाँ देखें ये किस तरह खाने आई हैं, ये देखें बफलो के पास। ये क्या हुआ, कुछ सारी भैंसें आपकी तरफ जा रही हैं आटा के लिए, कर रही हैं सभी आटा के लिए। ये देखें ये सभी आटा, आटा मांग रही हैं आपसे, डाल दो सबके आगे। शाबाश शाबाश, काम चेक करें आटा कितना कितना से डाल दिए। जी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बफलोज का थोड़ा सा चारा भी कर देते हैं हम। ये चारा कहाँ चली गई? हाँ दोस्तों यहाँ पे जी ईमान फातिमा का पापा काम कर रहा है, ये सूखा उधर जनाब ढेर लगा रहे हैं इसका, सर्दियों में काम आएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ज़रा गर्मी का इंतज़ाम भी किया हुआ, फ़ैन चलाया हुआ यहाँ पे पास। हाँ जी डाल दो इसके आगे, डालो रानी के आगे, रानी के आगे डाल दो। जी दोस्तों आप लोगों को ज़रा वीडियो अच्छी लगी हो ईमान फातिमा की तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ईमान फातिमा का चैनल है, इसको लाइक भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मुर्गियों के काम चेक करें, ये भी आटा खाने आई है। गिर ना जाना आप। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया जी।